जी, मेरा नाम है शेफ वकास और आज हम आए हैं गोसिया फूड पे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पिज़्ज़ा पराठा। आप लोगों ने बहुत सारे पिज़्ज़ा पराठा खाए होंगे, पराठा रोल खाए होंगे, लेकिन आज का जो सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा है सबसे डिफरेंट है। चले आए हम, स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा पराठे। जी, एक अच्छे ब्रांड का हमने पराठा लेना है और उसको एक पैन में हमने रखना है साफ करके। इसको थोड़ा सा ग्रीस करते हैं ऑयल के साथ ताकि ये हमारा पराठा चिपके ना। ये देखो, ये देखो, ठीक हो गए। और इसके रैप्स हमको डस्टबिन में करते हैं और आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, जो से पिज़्ज़ा पराठे में सबसे बेस्ट। ये आपने बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में लेनी है, ये स्पाइसी सॉस होती है हमारी, ताकि ये स्पाइसेस ना हो ज़्यादा इसमें। और ये चिकन हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा खुद का तैयार किया हुआ चिकन है, ये देखिए। इसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे चीज़ की, चैटर और मोज़रेला का ये मिक्सअप है। चीज़ जोन सी है हमारी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ है हमारी ये वाली। चले जी, ये हमारा फिलअप हो गया चीज़ के साथ। अब इसके ऊपर टॉपिंग करते हैं हम वेजी की अपनी, ताकि इसकी जोन सी लुक है वो ज़रा बेस्ट हो जाए, और टेस्ट के हवाले से भी वेजी बहुत बेनिफिट है, फ़ायदेमंद है हमारी। कैप्सिकम के बाद टोमेटो लगाते हैं इसके ऊपर, टोमेटो लगाने के बाद हमारे पास थोड़े से क्वांटिटी में ओलिव्स आएंगे, ताकि ये पूरा पिज़्ज़े की टाइप का हमारा पराठा बन जाएगा। चलो, थोड़े से हम स्वीट कॉर्न डालेंगे इसमें, ये भी टेस्ट के हवाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, क्योंकि ये हमारा स्पेशल पिज़्ज़ा पराठा है, तो इसमें स्पेशल सी टॉपिंग हम करेंगे। चलें आज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओवन की हीट। ओवन की हीट को हमने बड़ा मद्देनज़र रखते हुए इस पर पकाना है। ओवन की हीट ये देख लें आप, चले जी, ये हमने लगा दिया है और इसका टाइमर ऑन कर दिया हमने। ये विद इन 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार हो जाएगा। हमारा पिज़्ज़ा पराठा कहाँ तक पहुँचा है ये देखते हैं। देखें जी, इसकी चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है काफ़ी हद तक। इसको थोड़ा सा टाइम और देंगे ताकि ये फुल डन हो जाए, तकरीबन हाफ डन हो चुका है हमारा, ये देखिए। चेक करते रहेंगे इसको साथ साथ ताकि ये जले ना। ओवन की हीट जो से होती है ऊपर नीचे से ओवन ये पकाता है, डक ओवन जिसे हम कहते हैं, ये ऊपर और नीचे से दोनों से पकाता है, दोनों तरफ से। तो इसको चेक करना पड़ता है, ये नीचे से ज़्यादा तो नहीं जल रहा हमारा पराठा या ऊपर से ज़्यादा तो नहीं जल रहा, ताकि हम चेक करते हैं इसको रेगुलर। ले जी, हमारा पिज़्ज़ा पराठा मोस्टली रेडी हो चुका है, फुल डन हो चुका है। ये देखें आप, इसका कलर देखें और इसकी लुक देखें, क्या ही मज़े का पिज़्ज़ा पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे निकालते हैं पिज़्ज़े में, बोर्ड पे निकाल लिया हमने इसको, ये देखें आप इसकी लुक देखें, ऐसे ही आपने घर में तैयार करना है बिल्कुल। ये देखें, नीचे से भी आप देख चुके हैं फुल डन हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, और कलर भी इसका देखें आप, बहुत ही प्यारा हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। अब इसके हम करते हैं स्लाइसेस, 4 बेसिक इसके स्लाइसेस होते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप ना भी करें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं मज़े के साथ, ये देखें। चलें जी, इसको हम ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए, ज़्यादा टेस्ट देने के लिए, अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके ऊपर डालते हैं हम अपनी स्पेशल सॉस, ये देखें। चलें, ये हमारी खुद की स्पेशल तैयार की हुई सॉस है,
इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये जो पिज़्ज़ा पराठा ये हमारे शेफ़ ने आज बना के भेजा है और हम इसको ट्राई करेंगे। ऊपर ऑफिस में हम बैठे हुए थे, हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं, और ऑनेस्ट रिव्यू ही देना है आज भी हमेशा की तरह। ठीक है यार, कोई खुद भी वैसे ट्राई करना चाहे तो आ सकता है, ये ना कहिए कि खुद ही चेक करते रहते हैं। ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपने देना होगा आप भी आ सकते हैं। बिस्मिल्लाह, सही है, बहुत मज़ेदार, लेकिन हल्का सा सॉल्टी है, थोड़ा ज़्यादा हल्का सा, लेकिन है बहुत कमाल का, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है। आप इसको घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये चीज़ें बनानी इतनी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ कुछ चीज़ें जो है समझने की देर होती है। फिर जो आप चीज़ बना के तैयार करके बच्चों को देंगे ना, यकीन माने दुआएँ देंगे। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।